गाइस अभी हम सुबह का 7 बजे ब्लॉगिंग शूट कर रहे हैं, जो कि हम नहा धो लिए हैं और अभी बच्चा मेरा स्कूल नहीं गया, माथा पकड़ के बैठा हुआ कि 7 बजे और मैं उठा ही नहीं होता, गाड़ी चला गया गाइस। गाइस अर्चना ब्लॉगिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। गाइस मेरे और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर ले गाइस, कमेंट भी करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए मेरे चैनल में बने रहिए गाइस। सीधे ही मैं किचन आ गई हूँ गाइस। किचन में हम दूध पचा लिए, दूध पचा लिए। देखिए गाइस अच्छा हुआ मैंने दूध चढ़ाया था, जो कि दूध मेरा उबल गया था, गिरने वाला था गाइस, तो मैंने बचा लिया दूध को। ये बहुत बड़ी बात है, दूध गिर जाने से पूरा मलाई ही गिर जाता है। तो फिर से मैंने तेज कर दिया, अभी अभी दूध देखो गिरने से बचाए। देखो पुटू तो देखो क्या करेंगे, सारा मलाई गिर जाता और क्या करें। तो गाइस हमारा अभी सुबह से कुछ भी काम नहीं हुआ, बच्चे स्कूल नहीं गया तो हम भी अभी तबीयत मेरा बिल्कुल ही सही नहीं चल रहा था। अभी थोड़ा बहुत मेरे को ठीक लग रहा है, सर्दी खांसी जुकाम थोड़ा राहत मिल रहा है, बुखार वगैरह सब सभी का मौसम चेंज होने की वजह से पूरे घर का मेरा तबीयत खराब हो गया था। तो गाइस ये देखिए वो तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सरस्वती पूजा भी है, स्कूल भी बंद था, तभी स्कूल नहीं जा रहा था आज, लेकिन स्कूल था सैटरडे को, तो बच्चे ने थोड़ा ढील दिया तो हमने भी छोड़ दिया कि चलो भाई छोड़ देते हैं, मंडे से स्कूल भेजूंगी। तो गाइस ये हमारा दूध देखिए, मैं लाने गई थी सुबह में और अच्छे से इतना मेहनत, मेरा गिर जाता दूध तो ऐसे लगता है कि कलेजा कटने लगा, क्योंकि इतना दूर जाना पड़ता दूध लाने के लिए, तो मैं दूध बचा ही ली हूँ। खोल रहा हमारा दूध, जैसे देख सकते हैं मेरा दूध फाइनली खोल रहा है। तो मैं किचन में आई हूँ, देखिए ये दूध जो हमारा कितना उबल उबल करके थोड़ा सा हमारा यहाँ से ये यहाँ पर गिर गया, मलाई जो है गिर गया है, बचा लिया। इसका मुंह बड़ा है इसलिए बच गया, नहीं बढ़ना ये नहीं बचने वाला था आज, तो पूरे के पूरे दूध गिर ही जाता। तो आज मैं नाश्ता यही करूँगा, इस दूध और ये हमारा रात का रोटी बचा हुआ है, 2 रोटी है हमारे लिए हो जाएगा, फिर उसके बाद मूढ़ी वूढ़ी बनाऊँगी वही खाऊंगी। फिर से ये गिरने वाला था, मैं गैस कम कर दे रही हूँ, अब कम करके 4-5 मिनट इसको खोलाना है, तभी तो ये दूध पकेगा गैस। तो अब मैंने गैस को कम कर दिया है, कम तो बेसिक कम तो नहीं, हाँ मैं कम कर दिया। चलिए गैस इसको थोड़ा इसको पकने देते हैं। हमारा किचन का क्या हाल है, इधर हमने चूड़ा भी लाया था घर से, तो ये चूड़ा मैं यहाँ रख दिया, ये घर का चूड़ा है गाइस। पोहा भी बना सकते हैं, अभी सोचे ही नहीं कि क्या बनाऊं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए गाइस। इधर मार्केट में मैं गई थी, गेट पर से ही मैं प्याज वगैरह सारे चीज़ मैं लेकर के आ गई हूँ गाइस। कामकाज भी हो चुका, बर्तन भी धो करके चौक दिया, अभी धो के रख दिए ताकि नेक्स्ट दिन हमको लाना है दूध। तो गाइस ये हम ये चना लाए आज नहीं कि आज गेट में ही आया था, तो ये हमने धनिया पत्ता ले लिया चटनी के लिए, कुछ भी नहीं तो चटनी खूबसूरत से बन जाता गाइस, ये चटनी के लिए मैं लाई हूँ। और ये हरा अभी चना तो ये भी मैं लाई हूँ बैठ के बालकोनी में खाने के लिए, खूब सारा मिर्ची टमाटर ये सारा सब्जियाँ मुझे यहीं पर मिल गया, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। तो कल संडे है तो कल मार्केट लगेगा, तो फिलहाल देखिए ताज़ा ताज़ा मिर्ची हमने ले लिया है, इसको अभी कोई भी सब्जी भाजी रहेगा तो मिर्ची प्याज टमाटर रहने से कुछ भी आप बना लो, नहीं कुछ है तो सिंपल से चटनी तो बना ही सकते गाइस। तो चलिए हमारे वीडियो में बने, कैसा लगा हमारा वीडियो, ये मैं अभी गेट से लेकर के आई थी, नहीं रहे कुछ कर ही नहीं रहे गाइस। आप लोग वीडियो को जरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मेरा छोटा वाला बाबू उठ गया तो मैंने खिड़की खोल दिया हूँ, अभी तो ठंडा लगता है, रात को कभी कभी गर्म भी लगता है। तो ये हमारा बाहर का नज़ारा देखिए गाइस, मेरा बेड में ही थोड़ा थोड़ा धूप आ गया है, इससे अच्छा हमारा पूरा बिछावन में धूप आ जाता है। कपड़ा भी मैं सारे सस्ते पूजा में जो पहनी थी वो सब धो करके हमने पसार दिया, आज धूप अच्छा निकला, कल धूप नहीं निकला था। अब आ चुके गाइस हम बालकोनी, तो बहुत ही खूबसूरत धूप निकला गाइस। अभी देखिए अभी सुबह का 10 बज रहा है, क्योंकि मैं बालकोनी से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और देखिए हवा भी चल रहा है, ये हवा जो चल रहा है इसी से ठंडा लगता है,
बसंत पंचमी का यही तो नज़ारा है गाइस। सारे नया पत्ता भी आ जाएंगे, पुराना पत्ता सारे ख़त्म जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा है। यह हमारा पंडाल में पूरा धो धा करके सारा, मतलब पंडाल पूरा धो दिया है गाइस, पूरा साफ सफाई हो चुका है। देख सकते हैं ये न्यू व्यू कितना अच्छा आ रहा है। सूर्य भगवान भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ का मौसम है गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, क्योंकि अभी तो ठंडा तो ख़त्म ही नहीं हुआ है। अभी ये लास्ट फरवरी तक रहेगा ही मुझे लगता है। फरवरी क्या, ये होली तक रहेगा ठंडा गाइस। थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ, मैं धूप बहुत अच्छा लग रहा है, धूप सेका रही सिका लेते हैं। ऐसा टड्डे है, सोचते हैं कि आज खिचड़ी उचड़ी बनाएंगे तो जल्दी से बना लेंगे। नाश्ता में आज वही रात का रोटी और दूध वही मैं खा लूँगी। तो धूप थोड़ा सा सिका लेते हैं गाइस, अच्छा लग रहा है धूप गाइस। दो चार मिनट बैठ गए, अब जाते हैं तैयार होकर के पंडाल जाएंगे। चलिए आपको लेके चलती हूँ। ये रहा हमारा दूध रोटी गाइस, इसको खाएंगे हम। गाइस अभी बज रहा है 12, तो अभी मैं 12 बजे अभी मैं खाना बना ली हूँ। लेकिन ये हम अभी ये खा रहे हैं हरी वाली चना। चलिए गाइस हम इसे खा लेते हैं, अब भी खाएंगे तो खा लीजिए गाइस। ये हम चूड़ा और चना चूर, एक प्याज और ये हरी मिर्ची 3-4, फिर ये देख लीजिए क्या है, ये मूली। ऐसे कौन खाता है भाई, ये मैं खाती हूँ और कौन खाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ये देखिए मज़ेदार रेसिपी के लिए ऐसे ऐसे आपको मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अब ये मैं काट करके मुंह से ही खाऊंगी। तो गाइस चलिए गाइस हम खा लेते हैं। अभी शाम का बज रहा है 4, तो ये हमारा 4 बजे का नाश्ता है गाइस, चूड़ा चना चूर और प्याज। गाइस हम भगवान जी के पास आए सरस्वती मैया के। फलो फल ये रहा केक, ये केक बाहर करो तो ओपन हो चुका केक। ये फिर हम रंग बिरंगे लेने मना किए, रंगे बिरंगे ले लिए। ये बाहर करो
बस हाँ ये अंदर घुसा रहा। ये केक किसके लिए केक है? तुम्हारे लिए और किसके लिए? तेरे लिए। नाम तो इसमें लिखा ही नहीं है, नाम ही नहीं लिखा है। हैप्पी बर्थडे का टैटू लग गया गाइस। तुम्हारा ना बर्थडे है। काटो सा ना केक। कहाँ रखो? हैप्पी बर्थडे टू। अरे अबे फोटो को तो पकड़ेगा ना। मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ काटते ही तो मम्मी घुमा घुमा के केक के देखो फोटो ले रहे हैं। केक कैसा लगा गाइस हमारा केक? ये देखिए, गेस करिए कि इस घर में किसका बर्थडे है? तुम्हारा है। आज सरस्वती पूजा है। एक ही लगाना कहीं बस। तो केक भी सज गया, मोमबत्ती भी रेडी है। तो चलिए अब केक को काटा जाएगा। इस फाइनली डिसीजन हो चुका है कि किसका बर्थडे है। तो इधर दिखाया करो। तो गौर से देखिएगा ऐसे। ये हमारा दोनों माँ बेटा का बर्थडे है आज। मेरा नहीं तुम्हारा है। तो गाइस आज मेरा बर्थडे है। सरस्वती पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था। तो चलिए हम बर्थडे का केक भी काट लेते हैं। तो मुझे बर्थडे का बर्थडे हो जाएगा, सरस्वती पूजा का सरस्वती पूजा मना, सारा चीज एक साथ हो जाएगा और वैलेंटाइन डे भी हो जाएगा। तो किसका केक काटा जाएगा? तो बर्थडे का केक काटा जाएगा। तो चलो चलिए गाइस काटते हैं केक। केक हाँ तुम ले ले बलवा। Happy birthday to Fuku to Fuku na tuma birthday Fuku. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mummy. Happy birthday to you, mummy. Happy birthday. Happy birthday to you. हो गया ये। चलो बंद कर दो उसे। अब दोबारा इसे कर। तुम लो ले ले एक बार आए तो कर लो। काटा? उसको दे मैं काटता हूँ तो। घुमा दे। देखा फोटो में मतलब। अरे डैडी को नहीं दिए ना पहले, इसलिए हो गया। कोई बात नहीं, जान चाकू बंद करो। बंद करो मोबाइल। बंद करो जी। खाइए केक बढ़िया है। हाँ यार मेरा मुँह भी देख। एक बार तो गिर गया। क्लोज लो। खा पकड़ के प्लेट ले। आप प्लेट में काट करके देना। आप फोटो लो इधर दे। बेटे को दे दो। एक हाथ से पकड़ लिया भरा करें। बेटे को दो ना वो। अब हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। चलो रख दो। सुनो बच्चों को पहले आए थे।